अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने मेरा चेरी टमाटो, ये मैंने बीज इसको ग्रो किया था ऑनलाइन, मैंने बीज बनाया मंगाए थे। देखिए ये प्लांट यहाँ पे हमने इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे हमारे प्लांट्स को धूप नहीं मिलती, और ये तो वैसे भी यहाँ पे बीज से ग्रो हुआ। ये दूसरा प्लांट हम लोग का देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। यहाँ पे बहुत अच्छे से फुल सनलाइट आती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए यहाँ पे मूली है, तो वो चना है, इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए जितनी टाइम, क्योंकि इसको धूप से इसकी ग्रोथ होती है। देखिए इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है जितनी वहाँ पर इसकी करती। देखिए हमने और टोमेटोज जो हैंगे ट्रांसप्लांट करके अपने पॉट में भी लगाए हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोग इसको, ये देखिए हमारे इतने प्लांट्स हैं, इसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करके यहाँ पर लगाए हमने प्लांट्स अपने। ये देखिए इसकी अच्छी से ग्रोथ हो रही है। देखिए इसमें फ्रूट्स भी अभी आ रहे हैं, थोड़ा लेट इसको ग्रोथ होने में टाइम लगा था दोस्तों आप लोग देखिए। और यहाँ पे एक प्लांट्स नहीं है, दो तीन प्लांट्स हमने लगाए हैं यहाँ पे, ताकि ये गमला पूरा भरा हुआ है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग भी अपने घर में लगाइए, आपको भी टमाटर बहुत अच्छे मिलेंगे। लोग बोलते हैं एक दो टमाटर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए एक प्लांट्स में 3 से 4 टमाटर, 5 टमाटर, अगर आप जैसी ग्रोथ रहे आपके प्लांट की उस तरह की, अगर ऐसी पत्ती आपको देखे तो आप नोच दीजिए, तोड़ दिया करिए, उसको हटा दिया। अगर आप वर्मी कंपोस्ट में अपने यूज़ कर लीजिए या फिर वही में आप दोबारा डाल दिया करिए, क्योंकि वो रिसाइकल हो। देखिए दोस्तों ये मैंने चेरी टमाटर जो है अपने बॉटल में भी ग्रो किया है, ताकि ये जब अपना टाइम आएगा तो ये ग्रो हो जाएगा। देखिए अच्छे से इसमें भी ये ग्रो हो रहा है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।